रेडमी E13 बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छा और बढ़िया रैम वाला मोबाइल। ये 8 GB रैम है और 128 का इसका मेमोरी है और बहुत ही लाजवाब फ़ोन है। इसमें आपको मिल जाता है, एक केस भी कंपनी की ओर से मिल जाता है और बहुत ही सस्ते में मिलता है। और ये जो टाइप सी का आपका USB केबल और नॉर्मल चार्जर, और सच बताऊं कि इस प्राइस पॉइंट में और ये फ़ोन बहुत ही कमाल का है। और कंपनी इसमें कवर भी देता है और अच्छा सा पैकेजिंग भी करके देता है। और मोटो E13 जो आपका 8 GB रैम इस प्राइस पॉइंट में दूसरा कंपनी में बहुत हाई होता है। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है एकदम ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से। बैक का फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है और थोड़ा ग्लासी फिनिशिंग है और थोड़ा सा शाइनिंग टाइप का, मैट शाइनिंग कहते हैं इसको। तो बहुत ही लाजवाब डिज़ाइन है इसका, फिनिशिंग भी अच्छा है। एक बजट फ़ोन के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। ऊपर में हेडफोन जैक और डॉल्बी साउंड मिलता है आपको, डॉल्बी साउंड सिस्टम का सपोर्ट मिलता है। और साइड में सिम ट्रे और नीचे में आपका जो माइक का पॉइंट है, टाइप सी का पोर्ट है और स्पीकर है। और बैक में जो एकदम नॉर्मल सा फिनिशिंग है, नॉर्मल यूजिंग के लिए या फिर आप हाईफाई यूजिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। चलिए इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं और देखते हैं इसका कैमरा क्वालिटी क्या है, क्योंकि बेसिक सा लोग पहला कैमरा क्वालिटी ही चेक करते हैं। और मैं कोई एडिटिंग करके नहीं डालता हूँ वीडियो, एकदम पूरा रॉ रहता है और वीडियो, ताकि आप लोगों को कैमरा क्वालिटी के बारे में, मोबाइल की कलर के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो मोबाइल का कलर तो आपने देख चुके हो, ये ब्लू कलर का है, ब्लैक में भी अवेलेबल है। और ये बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है, 7-8 हज़ार के आसपास। और आपको मिलता है 8 GB रैम और 128 का जो स्टोरेज। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी एकदम अच्छा है, साइड का फिनिशिंग, मोबाइल ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा भारी भी नहीं है, लाइट वेट है और आपको यूज़ करने में आसानी होगी। तो चलिए कैमरा को ओपन कर लेते हैं और हम सेटिंग को अलाउ कर देते हैं और देने के बाद हम कैमरा को चेक करते हैं। कैमरा क्वालिटी ऑनेस्ट अगर बताऊं तो के इसका जो प्राइस के हिसाब से कैमरा क्वालिटी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि दूसरा कंपनी के साथ अगर कोई भी फ़ोन के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो इस प्राइस पॉइंट में ये 8 GB रैम और इतना अच्छा कैमरा क्वालिटी कोई दूसरा कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। मोटो ने दे रहा है आपको, मोटो E13 में जो कैमरा क्वालिटी है वो प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आप 15-20 हज़ार फ़ोन के साथ कंपेयर करोगे तो वो तो नहीं चलने वाला है, लेकिन ये प्राइस पॉइंट में ये जितना भी फ़ोन है अंडर 10,000 के नीचे, उस प्राइस पॉइंट में सबसे बढ़िया फ़ोन ये मोटो E13 है। क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है, फ़ोन नया नए में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मोबाइल 1 साल 1.5 साल चलाने के बाद क्या फीडबैक रहता है वो देखने की बात है। क्योंकि बहुत सारा कंपनी है अंडर 10,000 में, वो कंपनी 1 साल 1.5 साल बाद फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन ये देखने की बात है कि मोटो में ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसका जो डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट है बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ है। और अगर इसका अबाउट में चेक करेंगे तो बहुत ही एकदम स्मूथ है, रिफ्रेश रेट बहुत ही हाई है। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बजट फ़ोन है, 10,000 के अंदर है तो लैग बैग आपको मिल रहा है। 8 GB रैम है दोस्तों, ये लैग करने की कोई सवाल भी नहीं पैदा होता है। तो बहुत ही एकदम फास्ट, सुपर फास्ट काम करता है। आपका जो 10-15, 10 के ऊपर का फ़ोन है दूसरे कंपनी में, उस हिसाब से ये चलता है। ये आपका 7-8 हज़ार में ये मिल जाता है और आपका जो परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। अगर आप बजट फ़ोन ढूंढ रहे हो, गेम खेलते हो, तो गेम तो अच्छे से चल जाएगा आपका, फ्री फायर हो या फिर BGMI हो, कोई भी गेम अच्छे से चल जाएगा। लेकिन इसका जो डिस्प्ले 5 डिस्प्ले है, तो चलिए और एक बार इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो चेक करते हैं कि हर जगह में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। कि जैसे कि देख सकते हो ये कोई भी एडिटिंग नहीं है इसमें। सबसे बढ़िया बात है इस प्राइस पॉइंट में 5 होल मिलता है आपको, और उसके हिसाब से कैमरा क्वालिटी जो देख सकते हो
मेरा तो 15-16 हज़ार का मोबाइल है, उसके कैमरे के हिसाब से तो देख सकते हो इसमें एक सिनेमैटिक मूड है, और कैमरा में बहुत सारा मूड मिल जाता है जो आपका 15-16 हज़ार के फ़ोन में भी ऐसा मूड नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये देख सकते हो एकदम कैमरा क्वालिटी जिसका क्लियरिटी एकदम फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है। थोड़ा सा जो शार्पनेस का प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो कैमरा क्वालिटी है बहुत ही तगड़ा क्वालिटी है। आप इसमें सिनेमैटिक भी शॉट ले सकते हो, पोर्ट्रेट शॉट भी ले सकते हो, बहुत सारा मूड।